ललित मोडी सुषमा स्वराज विवाद चर्च तीव्र गंदरगोला दारती चर्च जरूर समय में प्रभुत्पी अड्डग सोनिया सह कांग्रेस सभ्यु तीव्र आग्रह व्यक्त की वचि निरसन गंदरगोल ने सभन रर वरक वायदा वेश स्पीकर सुमित्रा महाजन पुर्तगाल गए, कहाँ गए? पुर्तगाल गए, फिर उसके बाद वियना गए, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ रिसोर्ट, जहाँ कई अच्छे रिसोर्ट है उन रिसोर्टों में जाके आराम करते रहे और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करते हो। जो लोग रिसोर्ट में जाके रहते हैं, जो वियना में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, उनको आपको वीजा देने के लिए रिकमेंड करते हो? आप ये कह सकते थे 8 दिन के लिए अगर जाना है तो आप पुर्तगाल जाके वापस आ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते थे, यहाँ से बुला के भेज सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने उनको रिकमेंड करके उनको जाने के लिए पूरा अपना जितना घूमने के लिए जितना मदद करना चाहिए था उतना पूरा मदद आपने किया। जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मिस्टर ललित मोदी को पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट में लिया? क्या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमको यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हाईकोर्ट में केस फेल हुआ तब आप अपील क्यों नहीं करें? क्यों चुप बैठे? ये चुप्पी में कुछ है गड़बड़, इसीलिए सारी सरकार चुप है, इसीलिए चुप्पी में कुछ है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुप है। इकोनॉमिक ऑफेंडर है जो काला धन लेके गया है, तो भगोड़ा है, उसको अगर आप यहाँ नहीं ला सकते हैं, बार बार दूसरों की बात करते हैं, तो इसका जवाब आप देना चाहिए। तो इन 7 प्रश्नों का और 8 प्रश्न जो मैं भी उठाए उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्वॉल्व है इस केस में अगर वो उत्तर देंगे उसको हमारा समाधान नहीं होगा और देश को भी मालूम है। इकोनॉमिक नथिंग इज आई डोंट नो नथिंग इज। ललित मोदी सुषमा स्वराज विवाद चर्च तीव्र गंदरगोला दारती चर्च जरूर समय में प्रभुत् अड्डु तगड़ों सोनिया सह कांग्रेस सभ्यु तीव्र आग्रह व्यक्त की वचि निरसन गंदरगोल ने सभन रर वरक वायदा वेश स्पीकर सुमित्रा महाजन नथिंग
లలిత్ మోడీ సుష్మా స్వరాజ్ వివాదంపై చర్చ తీవ్ర గందరగోళానికి దారితీసింది. చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో ప్రభుత్వం వైపు నుంచి అడ్డు తగలడంతో సోనియా సహా కాంగ్రెస్ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలిపారు. గందరగోళం నెలకొనడంతో సభను 2:30కు వాయిదా వేశారు స్పీకర్ సుమిత్ర మహాజన్. पुर्तगाल गए, फिर उसके बाद वियना गए, फिर उसके बाद जहां जहां रिसोर्ट, जहां कई अच्छे रिसोर्ट है उन रिसोर्टों में जाके आराम करते रहे और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करते हो. जो लोग रिसोर्ट में जाके रहते हैं, जो वियना में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, उनको आपको वीजा देने के लिए रेकमेंड करते हो? आप ये कह सकते थे 8 दिन के लिए अगर जाना है तो आप पुर्तगाल जाके वापस आ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते थे, यहाँ से बुला के भेज सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया. आपने उनको रेकमेंड करके उनको जाने के लिए पूरा अपना जितना घूमने के लिए जितना मदद करना चाहिए था उतना पूरा मदद आपने किया. कहाँ गए? पुर्तगाल गए, फिर उसके बाद वियना गए, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ रिसोर्ट, जहाँ कई अच्छे रिसोर्ट है उन रिसोर्टों में जाके आराम करते रहे और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करते हो. जो लोग रिसोर्ट में जाके रहते हैं, जो वियना में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, उनको आपको वीजा देने के लिए रेकमेंड करते हो? आप ये कह सकते थे 8 दिन के लिए अगर जाना है तो आप पुर्तगाल जाके वापस आ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते थे, यहाँ से बुला के भेज सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया. आपने उनको रेकमेंड करके उनको जाने के लिए पूरा अपना जितना घूमने के लिए जितना मदद करना चाहिए था उतना पूरा मदद आपने किया. जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मिस्टर ललित मोदी को पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट में लिया? क्या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमको यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हाईकोर्ट में केस फेल हुआ तब आप अपील क्यों नहीं करे? क्यों चुप बैठे? ये चुप्पी में कुछ है गड़बड़, इसीलिए सारी सरकार चुप है, इसीलिए चुप्पी में कुछ है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुप है. इकोनॉमिक ऑफेंडर है जो काला धन लेके गया है, तो भगोड़ा है, उसको अगर आप यहाँ नहीं ला सकते हैं, बार बार दूसरों की बात करते हैं, तो इसका जवाब आप देना चाहिए. तो इन 7 प्रश्नों का और 8 प्रश्न जो मैं भी उठाए उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्वॉल्व है इस केस में अगर वो उत्तर देंगे उसको हमारा समाधान नहीं होगा और देश को भी ये मालूम होगा.